प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने आपको लेंस के बारे में बताया है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पूरा डिटेल आपको फर्स्ट फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बताया है। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू अ थिन लेंस। किसी पतले लेंस के लिए रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, इसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। यहाँ दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस है व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ लेंस। पहले हम लेंस लेंगे और ये मान के चलेंगे कि लेंस के दोनों साइड जो मीडियम है वो सेम है। हम एयर भी ले सकते हैं, कोई दूसरा मीडियम ले सकते हैं। पहले हम एयर लेके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग नोट कर लीजिएगा, देखिए डायग्राम बनाना है इसको हम रख कर रहे हैं। देखिए हमने एक चीज और बताई है, जरा पीछे वाले प्रूफ में देखिए, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेस। उसमें ऐसे कुछ हमने बताया था कि माने ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ये बाहर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो एन वन था, और ये जो मीडियम था इसका एन टू था, और इसकी इमेज इस प्रकार से इधर कहीं बना दो या इधर कहीं बना दो, मतलब इधर बना दीजिए आप वी दूरी पर और ये यू डिस्टेंस पर है। तो हमने बताया था एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये प्रूफ हम करा चुके हैं। ये हम बताना क्यों चाहते हैं, देखिए एन टू अपॉन वी हमने इसलिए लिखा है कि अगर लाइट एन वन से एन टू में जाती है तो पहले एन टू अपॉन वी लिखा जाता है, यानी जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप पहले यहां लिखेंगे, ठीक है। चूंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे इसलिए इसको हम लेके चल रहे हैं, समझा रहे हैं इसको। हमने क्या कहा कि दोनों तरफ का मीडियम सेम है, जरा समझिएगा। सपोज वी टेक अ थिन लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। देखिए हमने पहले देखा कि दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये पहली सरफेस है, इधर बाद में सरफेस बनेगी, बाद में हम बनाएंगे इसको। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, अंदर ग्लास है इसमें, बाहर का हम इंडेक्स चूंकि एयर मान रहे हैं, इधर भी एयर मान रहे हैं और इसका हम एन मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम पहला सरफेस बनाते हैं फिर दूसरा सरफेस बनाते हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा सपोज दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस, इसका नाम दे दिया हमने, ये एल एल जो है लेंस है, ये इसका फर्स्ट सरफेस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहां पर एक और ये बाहर क्या हमने माना है एयर, और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन है विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये भी हमने प्रूव कराया था बाद में, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। तो ये है फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लाइट जब एयर से एन में जाएगी तो एन यूज करेंगे, और जब एन से एयर में जाएगी यानी ग्लास से एयर में जाएगी तो वन अपॉन एन यूज किया जाएगा, मतलब यहां पर ए एन जी इस्तेमाल किया जाएगा और वहां पर जी एन ए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये इसका पहला सरफेस है पी वन, इसका रेडियस किधर होगा, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी वन, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर यहां से रखा हुआ है, यू डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। यहां से एक लाइट रे गिरी ओए, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, अंदर क्या भरा हुआ है, ग्लास भरा हुआ है, हम नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं खींच रहे हैं, अगर जरूरत नहीं उसकी है खींचना चाहो तो खींच दो, ये नॉर्मल है मत खींचिए इसमें। इस पहले सरफेस ने क्या किया, इस ओ का जो इमेज है वो कहां बना दिया, आई डैश पे बना दिया, जिसकी पहले सरफेस से डिस्टेंस क्या है, वी डैश। आप क्या कहेंगे कि पी वन इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस यू फ्रॉम दिस सरफेस एंड द दिस सरफेस दिस स्फेरिकल सरफेस मेक्स इट्स इमेज एट आई डैश, ये आई डैश पे इसकी इमेज बनती है। पहले सरफेस पर बात कर रहे हैं तो बाई रिफ्रेक्शन फार्मूला क्या हमने बताया, एन अपान वी यहां पर क्या है, वी डैश,
n अपॉन b डैश माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर वन। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आर वन माना है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये सेकेंड सरफेस है और हमने इसकी जो थिकनेस मानी है वो कितनी मानी है, t मानी है। बाद में हम कहेंगे बिकॉज इट इज अ थिननेस तो t कैन बी नेग्लेक्ट, t को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जरा सेकेंड सरफेस को देखिए, सेकेंड सरफेस जो है ये जरा साफ साफ बना दीजिए, ये सेकेंड सरफेस जो है ये इसकी थिकनेस t है p2। सेकेंड सरफेस का सेंटर किधर होगा, इधर कहीं होगा c2, इसकी रेडियस r2 होगी, ठीक है। अब जरा देखिए जो i डैश है वो सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो सेकेंड सरफेस है इसका फाइनल इमेज i पर बना देता है, ये फाइनल इमेज, और इसकी डिस्टेंस यहां से क्या है, v है। जरा सेकेंड सरफेस को देखिए, यानी आप लिखेंगे i डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आभासी वस्तु का काम करता है फॉर p2 एंड इट मेक्स इट्स फाइनल इमेज, इट मेक्स इट्स फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट i। अब जरा समझिएगा बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला, बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला देखिए। अब लाइट अभी तक क्या हो रहा था, एयर से ग्लास में जा रही थी, तो हम n को लिख रहे थे ang, या डायरेक्ट इसका हम क्या नाम लिख रहे थे, n। अब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो हम n की जगह क्या यूज करेंगे, gn, ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर का इंडेक्स, और इसकी वैल्यू होती वन अपान ang। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, वन अपान n, और हम लेंस की जो थिकनेस है वो t मान के चल रहे हैं, ठीक है। जरा सेकेंड सरफेस देखिए, सेकेंड सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो कितनी है, पहले से v डैश थी तो v डैश में t को माइनस कर दीजिए तो v डैश माइनस t हो जाएगी, ये तो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई, और इमेज कितनी दूर बन रही है ये v पर, तो n को क्या लिखेंगे हम, वन अपान n, वन अपान n अपान v माइनस वन अपान, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, v डैश माइनस t, v डैश माइनस t इज इक्वल टू वन अपान n माइनस वन अपान आर टू। अब ये वन अपान n इधर आ जाएगा, वन अपान एन वी माइनस वन अपान वी डैश माइनस टी इज इक्वल टू, यहां n एलसीएम लेंगे तो आएगा वन माइनस n अपान एन आर। चूंकि लेंस थिन है, एज लेंस इज थिन, एज लेंस इज थिन, तो t को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब t को आपको नेग्लेक्ट ही करना था तो लिया क्यों था, उसका दो कारण है, क्योंकि हमको दोनों सरफेस को अलग अलग इंडिकेट करना था इसलिए हमने लिया उसको, ठीक है। तो t को नेग्लेक्ट कर दो तो वन अपान एन वी माइनस वन अपान वी डैश इज इक्वल टू वन माइनस एन अपान एन आर, इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पहला इक्वेशन बना हुआ है, डायग्राम क्लियर हो गया होगा, इसको हम रब कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एन, जब एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान वी माइनस एन अपान वी डैश इज इक्वल टू वन माइनस एन अपान आर टू, ये क्वेश्चन नंबर टू आ गया। ये जो आई डैश बन रहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये फाइनल इमेज नहीं थी, फाइनल इमेज तो आपकी आई है, तो एक्चुअली वी डैश को आपको हटाना पड़ेगा, तो इन दोनों इक्वेशन को एड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, जब दोनों को आप एड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये चीज कट जाएगी दोनों की, तो आएगा वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपान आर वन माइनस प्लस वन माइनस एन अपान
आर, ये हमने दोनों को ऐड कर दिया है। अब चूंकि एन यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है और ग्लास को आप डेंसर मीडियम मान के चल रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं और इससे एन माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2, ये हो गया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, अगर ये लाइट इनफाइनाइट से आ रही होती तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जाती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है हमने बताया है कन्वर्जिंग एक्शन में प्रिंसिपल फोकस में कि वो फोकस से होकर की जाती है, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f, यहां रखेंगे सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 4, तो आप क्या देखेंगे कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u विल इक्वल टू 1 अपॉन f, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इसमें हमने कब लिया है, जब दोनों तरफ मीडियम हमने क्या लिया है एयर। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बोथ द साइड्स द मीडियम्स आर डिफरेंट, तब क्या होगा जरा देखिए ध्यान से। इफ बोथ द साइड्स द मीडियम्स आर डिफरेंट, डायग्राम लगभग यही बनेगा, हल्का सा चेंज हम करेंगे उसमें। इफ बोथ द साइड्स द मीडियम इज डिफरेंट, मीडियम इज डिफरेंट, 1 मिनट। देखिए ध्यान से, हम पहला सरफेस ले रहे हैं, ये बना लेंगे पूरा डायग्राम एक साथ, ये लेंस है और लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। लेंस के इधर का जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने n1 माना, इधर के मीडियम का हमने n2 माना या n3 माना, और लेंस के ऑब्जेक्ट का हमने n2 माना। और ये हम मान के चल रहे हैं कि जो लेंस है वो डेंसर मीडियम तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये बहुत थिन लेंस है इसलिए हम इसकी जो भी डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ठीक है। ये इसका पहला सरफेस है, ये इसका सेकेंड सरफेस। जरा डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां से एक लाइट रे गिरी, हमें ये लिखना नहीं यहां से गिरी वहां गई, ये कुछ नहीं करना, हम कहेंगे कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस यू फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो भी दूरी हम ले रहे हैं वो ले P1 से रहे हैं, ले P2 से रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सरफेस को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। पहले पहला सरफेस इमेज बनाएगा, फिर सेकेंड सरफेस बनाएगा, ठीक है। जैसे हम बार्बर की दुकान में जाते हैं तो हम आगे बैठते हैं तो इसका इमेज पहले पीछे बनता है, वो आगे वाले शीशे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करता है और वो वाला इसका आगे दिखाई पड़ता है इमेज, तो हमको लगता है ये इमेज सामने कहां आ गई, तो ऐसे इमेज बनती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सरफेस हम ले रहे हैं कि डिस्टेंस कहां से लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए जैसे यहां पर लाइट रे गिरेगी ए पॉइंट पे, तो ये यहां पर इसका आप खींचेंगे, क्योंकि ये अगर ये सरफेस देखें तो ये स्फेरिकल ऐसे बनेगा, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां से होकर के जाएगा, वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर जाएगा पहले वाले सरफेस से, तो लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा यहां पर, अभी आगे गई नहीं है, हमको लगेगा यहां पर कि यहां से निकल रही है, एक लाइट रे सीधे चली गई है, ये सीधे चली गई है तो यहां पर निकल रही है, यानी वी डैश डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस जो होगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा, आई डैश पे, तो आप लिखेंगे लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस यू,
डिस्टेंस यू फ्रॉम कहां से, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पी वन, एंड इट मेक्स इट्स कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब एट आई डैश एट डिस्टेंस वी डैश फ्रॉम पी वन। ठीक है, हमने जो बोला भी है, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, समझ लीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया है, हमने बताया है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये प्रूफ रहा है, जब लाइट n1 से n2 में जाती है तो n2 लिखा जाता है, लाइट n1 से n2 में जा रही है तो n2 अपॉन v, सो v क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस क्या है यहां पर v डैश, तो n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u क्या है, यही u है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, जैसे लाइट यहां गिरती है हल्की से आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये जरा देखिए, ये सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर कहीं होगा c2 पे। अब लाइट जब बाहर निकलेगी, चूंकि हम लेंस को डेंसर मीडियम मान के चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से बेंड कर देगा और यहां से इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी, कितनी डिस्टेंस पर, v डिस्टेंस पर। डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, p2 से ले रहे हैं, लेकिन चूंकि लेंस थिन है तो हम उसके ऑप्टिकल सेंटर से मान रहे हैं, यानी आई डैश जो है वो p2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और p2 मेक्स इट्स फाइनल इमेज एट i। तो आप लिखेंगे आई डैश एक्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर p2 एंड इट मेक्स इट्स फाइनल इमेज, इट्स फाइनल इमेज एट i। अब ये देखिए, अब फिर तरफ फॉर्मूला देखिए, लाइट n2 से n3 में जा रही है तो n3 अपान v माइनस n2 अपान u, u क्या है, v डैश इज इक्वल टू, ये n2 माइनस n1 है, जब लाइट n1 से n2 में जा रही है तो लाइट n2 से n3 में जा रही है तो आएगा n3 माइनस n2 अपान r2। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, क्योंकि वी डैश अल्टीमेटली हमको कैंसिल करना होता है, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। देखिए जब ऐड करोगे तो एन टू अपॉन वी डैश जो यहां पर है वो इसको काट देगा, ये बचेगा एन थ्री अपॉन वी माइनस एन टू एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू, इसको जरा डायग्राम को ब्रप कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा डायग्राम, ये क्या आया था n2 माइनस n1 अपॉन r, ये थी ना, हाँ ठीक है, ये क्या आएगा आपका n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस ऐड कर रहे हैं n3 माइनस n2 अपॉन r2। चूंकि n2 डेंसर मीडियम है, n2 की वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो माइनस कॉमन ले लो, तो आएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3 अपॉन r2, ये आएगा n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो ये आपका रिफ्रेक्शन फार्मूला आया, कब, व्हेन बोथ द साइड द मीडियम इज डिफरेंट, n3 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r1 minus n2 minus n3 upon r2। अब एक स्पेशल केस देखिएगा, स्पेशल केस ये आएगा तब आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, कि जो आप लेंस बनाए थे ना इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n2 माना था, हम अगर मान लें इधर दोनों तरफ जो n1 n3 माना था दोनों तरफ n1 है, यानी इफ
एन थ्री इज इक्वल टू एन वन। अगर ऐसा मान ले, मतलब इधर वाटर है उधर भी वाटर है, जो मीडियम इधर है वही मीडियम उधर है, तो सो देन बाय इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री को अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन माइनस एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टू। तो यहां से ये हो जाएगा आपका एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू, यहां से एन टू माइनस एन वन कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये प्रूफ एक तो आ गया। देखिए जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां तो आपका जो न्यूमेरिकल आएगा वो फाइनल आप फाइनली निकाल लेंगे उसका जो भी फॉर्मूला हुआ, लेकिन अगर कोई प्रूफ तीन स्टेप में है, पांच स्टेप में है, सात स्टेप में है, तो हो सकता है आपका न्यूमेरिकल तीसरे स्टेप से लगे। इसलिए जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है यहां से भी लग सकता है, यहां से भी लग सकता है, किसी स्टेप से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, एक बार एन वन से इसको डिवाइड कर दो तो आएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एन टू अपॉन एन वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसको एन मान लीजिए तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब ये अभी आप थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ये वन अपॉन एफ होता है, या आप जानते हैं कि अगर यू जो है वो इंफिनिटी होगा तो वी क्या होगा एफ, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। तो ये आपका लेंस मेकर्स फार्मूला है। अब चूंकि कोई फार्मूला किसी भी फील्ड का दिया जाए और न्यूटन साहब शांत बैठे ये तो संभव नहीं है, इसलिए न्यूटन ने एक फार्मूला दिया उसको भी आप आज ड्राइव करा देते, कभी कभी वो सिलेबस में होता भी है कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये है न्यूटन फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया। देखिए न्यूटन फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ फॉर थिन लेंस, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं कहलाता है, ये न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है। देखिए न्यूटन साहब ने कहा, आपने डायग्राम समझ लीजिए क्या समझ में आएगा, न्यूटन साहब ने कहा कि माने ये एक लेंस है, ये थिन लेंस है और ये इसका फर्स्ट फोकस है एफ डैश, और ये फर्स्ट फोकल लेंथ है एफ डैश। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है एफ और ये इसकी प्रिंसिपल फोकल लेंथ है एफ। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ ओ डैश। अब इसकी इमेज ऐसे कुछ बनाइए कि इसका भी इस्तेमाल हो जाए और इसका भी इस्तेमाल हो जाए। देखिए जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, आप जानते हैं, और जो लाइट रे फर्स्ट फोकस से होकर जाएगी वो आफ्टर रिफ्रेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पर ये मिलेगी यहां पर इसका इमेज बनेगा आई आई डैश। हमने फर्स्ट फोकस से, फर्स्ट फोकस एफ डैश जो माना है, इससे ऑब्जेक्ट की दूरी हमने क्या मानी है एक्स डैश, और प्रिंसिपल फोकस से इमेज की दूरी हमने मानी है एक्स। तो पहले तो इसके डायग्राम के बारे में निकालेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला इफ एफ डैश इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट फोकल लेंथ, एस इज द प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश फ्रॉम द फर्स्ट फोकस एंड इट्स इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस देन एफ एफ डैश इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश। ये न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था एफ एफ डैश इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको नाम दे दो ए।
अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो जरा इधर देखिए, ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल, लिखे इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि है इसलिए हम बता रहे हैं कि कोई न्यूमेरिकल अगर इस पर आता है तो आप लगा सकते हैं। कि मान लिया आपको ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से दे दी जाए? फर्स्ट फोकस से। इमेज की दूरी दे दी जाए प्रिंसिपल फोकस से, तो कैसे लगाएंगे? देखिए इन ट्रायंगल, इन ना लिखिए ट्रायंगल ओ एफ डैश और ओ एफ डैश ओ एफ डैश ओ डैश एंड ट्रायंगल एफ डैश सी बी वन, ये एफ डैश है थोड़ा साफ बनाइएगा, एंड एफ डैश सी बी आर सिमिलर, ये सिमिलर है। तो सिमिलरिटी की थ्योरम हमने पढ़ी है, या दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, यानी ओ डैश एस सिमिलर है, सो ओ डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ डैश ओ अपॉन एफ डैश सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया वन, ठीक है। इधर आइए, इधर ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए सी एफ और एफ आई आई डैश, ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। लिखेंगे ट्रायंगल ए सी एफ एंड ट्रायंगल एफ आई आई डैश आर सिमिलर, एफ आई आई डैश आर सिमिलर, सो क्या लिखेंगे इसमें? AC अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ आई। अब देखिए चूंकि आपको ये डिस्टेंस चाहिए, एफ डैश चाहिए, एच डैश चाहिए, एफ चाहिए, एक्स चाहिए, आपको ये हाइट नहीं चाहिए, तो हाइट को गायब करना पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा है कि AC किसके इक्वल है? ओ डैश के, और सी बी किसके इक्वल है? आई आई डैश के। तो आप लिखेंगे कि एस ए सी इज इक्वल टू ओ डैश एंड आई आई डैश इज इक्वल टू सी बी, सो यहां पर जहां ए सी है वहां लिख दो ओ डैश, जहां पर आई आई डैश है वहां लिख दो सी बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ आई। इक्वेशन नंबर टू, जरा दोनों इक्वेशन को देखिए, वन और टू को, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे वाई इक्वेशन वन एंड टू, वाई इक्वेशन वन एंड टू, देखिए ये हो जाएगा एफ डैश ओ अपॉन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ आई। एफ डैश ओ क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी है फर्स्ट फोकस एक्स डैश। एफ डैश सी क्या है? एफ डैश। एफ सी क्या है? एफ। और एफ आई क्या है? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ थिन लेंस फार्मूला गिवन बाय मिस्टर सर आइजैक न्यूटन। तो ये तीन फार्मूले आपने देखे, मेन दो ही फार्मूले हैं, वो लेंस मेकर्स फार्मूला है। अगर आपको कहा जाए फोकल लेंथ फॉर द थिन लेंस और आपसे लेंस मेकर और कुछ ना बोला जाए तो उसका मतलब लेंस मेकर्स फार्मूला आपसे कह रहे हैं। अगर आपसे मीडियम की बात भी ना करें कि बोथ द साइड मीडियम इज सेम आर नॉट, तो आप ऐसा करिएगा कि इसका मीडियम एन टू मानिएगा और इधर दोनों तरफ का एन वन मान लीजिए, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, दोनों तरफ एयर भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, जो चाहे आप मानिए। लेकिन जब तक थिन लेंस के लिए न्यूटन का नाम ना लिया जाए तब तक न्यूटन के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद एक दिन और इसका हम क्लास लेंगे, तब बताएंगे। ओके, थैंक यू।